एक्सरसाइज 3.1 और उसका बेसिक के बारे में हम बात कर चुके हैं क्लास 8 का। क्वेश्चन है फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर के बारे में मैंने बताया था, एक तो होता है सिंपल फिगर, ठीक है, एक होता है सिंपल क्लोज्ड फिगर, यानी कि जो उसका पॉइंट क्या है, तो क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। सिंपल क्लोज्ड का होगा, क्लोज तो क्लियर हो ही गया। सिंपल क्या का मतलब है कि वो इंटरसेक्ट यानी सॉरी वो कट नहीं कर रहा हो, वो अपनी लाइन को कहीं भी कट नहीं कर रहा हो। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा सही नहीं बन पाया अभी, ये कहीं भी आपस में लाइन कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल क्लोज कर रहा है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पे भी ये कहीं भी कट नहीं कर रही है, क्या ये सिंपल क्लोज कर रहा है, हाँ है, ये भी कहीं कट नहीं कर रही है और क्लोज भी, बंद भी होना चाहिए, ध्यान रखना, ये भी कहीं कट नहीं कर रहा है और क्लोज भी, ये कहीं कट कर रहा है, हाँ कर रहा है, एक तो यहाँ 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 यहाँ, हालांकि ये बंद है मानते हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इसलिए ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। बात समझ में आई, ठीक। तो सेकेंड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर पॉलीगॉन, हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करी थी, एक पीछे पूरी वीडियो है, उसमें हमने बताया था कि इसमें 3 लाइन या 3 से ज़्यादा लाइन हो और वो मिले हुए हो, उनको हम बोलते हैं क्या, पॉलीगॉन। जैसे हमने लाइक ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, सेप्टागॉन, डेकागॉन और तो बहुत सारे बताए थे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें इसमें लाइन होनी जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसा हो कि एक ही लाइन से कोई बना हुआ है तो वो पॉलीगॉन नहीं हो सकता। जैसे कि ये है, ये एक तरीके का सर्किल टाइप सा बन रहा है, हालांकि ये यहाँ पे सेमी सर्कल है, यहाँ भी सेमी सर्कल है, ट्राइंगल है, लेकिन उसकी बात पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये फिगर हम पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। उसमें 3 और 3 से ज्यादा लाइन होनी चाहिए और उसमें नहीं, ठीक है। 1, 2, 3, 4 इसमें है, हाँ इसका मतलब ये पॉलीगॉन है, 1, 2, 3 इसमें, इसका मतलब ये है। और यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये 3 होता तो चल जाता, ये 3 होता तो चल जाता, लेकिन अब ये कौन सा फिगर है, स्टार को फिगर नहीं माना जाता भाई, ठीक है, ध्यान रख लेना। तो ये यहाँ पे हमारा, और ये इंटरसेक्ट कर रहा लाइन को, जबकि ये वाला है जो फिगर है पीछे वाला, वो आगे वाले फिगर से ज्वाइन नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ये 2 है और ये 2 नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है भाई थर्ड में, व्हाट विल बी एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद 11 साइड है यहाँ पे और 16 साइड है। तो आपको मैं बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसमें कितने है, 11 साइड से। तो यहाँ पे कह रहा है एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एन माइनस के 2 × 180, यानी जितनी भी साइड है, साइड को क्या लिखते हैं हम, एन, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11। तो ये फॉर्मूला है n माइनस के 2 × 180, तो n कितना है हमारा 11 माइनस के 2 × 180, तो 11 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 9 × 180, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना जाएगा हमारा 16, ठीक है। आगे वाला हमारा क्या है b, तो इसका करेंगे हम b का क्या है 16 साइड, तो n की वैल्यू क्या है हमारी 16, तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई मैं डायरेक्ट, फॉर्मूला हमारा n माइनस के 2 × 180, तो n की जगह पे कितना है 16 माइनस के 2 × 180, तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे कितना जाएगा 14 × 180, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, एक बार करके देख लो भाई फिर मल्टीप्लाई थोड़ी देर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर द रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल्स। तो हम एक बात जानते हैं, वी नो कि सम ऑफ द एंगल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है 180। बात समझ आ रही है, यानी कि एक ट्राइंगल के अगर हम टोटल यानी तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 180। ध्यान रखना इंटरनल एंगल की बात कर रहा हूँ, हालांकि बार की बात करेंगे वो बाद में, ये हो जाएगा ए बी सी, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 180, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि जो पहला वाला एंगल है, यानी कि एंगल ए जो है, ये एंगल का साइन है, ठीक है, एंगल ए जो है वो कितना है हमारा 2x, ओके।
और जो हमारा एंगल बी है वो कितना है हमारा 3x। ये 2x कहां से है, जब भी रेशियो से कोई चीज हम हटाएंगे तो एक वेरिएबल उनके साथ में लगाते हैं, यानी कि एक x y z उनके साथ में लगाते हैं, ठीक है। ये होगा 2x, ये होगा 3x, तो अगला वाला क्या हो जाएगा हमारा 4x, क्या हो जाएगा 4x। और हम जानते हैं एक बात कि अगर हम सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, यानी क्या जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 आना चाहिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी 2x, बी की कितनी है 3x, सी की कितनी है 4x, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो ऐड करेंगे 3 और 2 5 4 9 कितना हो जाएगा 9x = 180, ठीक है। तो 9 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आके किसमें जाएगा डिवाइड में, तो हम कह सकते हैं x = 180/9, 9 2 18 20 हो गया, x की वैल्यू कितनी होगी 20। अब हम अपने एंगल फाइंड करेंगे, कौन सा जो हमने एंगल ए माना है वो कितना है हमारा 2x है, ओके 2, x की जगह पे कितना हो गया 20, 22 का कितना हो गया 40, तो वन एंगल हम फाइंड कर चुके। फिर एंगल बी हमारा कितना हो जाएगा 3x, x की जगह पे वैल्यू कितनी आई हमारी 20, 3 2 6 यानी 60, 3 यानी थर्ड एंगल हमारा क्या है c = 4x, एंगल सी 4, x की जगह पर कितना आया हमारा 20, 4 2 8 एंगल से हमारा 80, तो 40 60 और 80 तीन हमारे आंसर।